तो बिछ गई बिसात, किसकी शय किसकी मात, बिसात बीजेपी की बिछ गई। पांचों चेहरे साफ हो गए कि आखिरकार पांच सीटों पर कौन उतरेगा। तीन चेहरे पहले से ही तय हो गए थे। जब तय हुए थे तब अंदेशा इसी बात का था कि जो दो बचे हैं उनका टिकट खतरे में है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे में अब साफ हो गया कि पौड़ी और हरिद्वार सीट से बीजेपी अपने हैवीवेट चेहरों को ही उतार रही है। यानी पांच पर बीजेपी ने अपना पराक्रम दिखा दिया। दावा यह कि धामी का काम और मोदी का चेहरा नैया पार लगाएगा पांचों सीटों पर। खैर यह भाजपाइयों का दावा है, मगर कांग्रेस की जो सुई अटकी है वो हरिद्वार पर अटकी। अंदर की खबर यह है कि मामला नैनीताल में लगभग तय हो चुका है। हरिद्वार में एक बड़े चेहरे की हामी हां में और फिर उसके बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। मगर इन चेहरों के बीच एक चेहरा मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी चेहरों में से एक चेहरा पौड़ी सीट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी बीजेपी आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट काटकर सांसद रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद रहे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दोनों का टिकट काट दिया और नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। गढ़वाल सांसद का चुनाव लड़ेंगे संसदीय सीट का अनिल बलोनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। पहले रिपोर्ट देखिए और बड़ी दिलचस्प चर्चा है। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। आखिरकार 11 दिन की जद्दोजहद के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड की बाकी बची दो संसदीय सीटों पर अपने रणबांकुरों का ऐलान कर ही दिया है, जिसमें हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारा है और पौड़ी गढ़वाल की सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनावी रण में दिखेंगे। यानी बीजेपी आला कमान ने इन सीटों पर सांसद रहे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत के टिकट काट दिए हैं। उनकी जगह पर नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। गढ़वाल सीट से राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी होंगे। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए हरिद्वार की पहली सुलझाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब भी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर मंथन कर रही है। कांग्रेस के लिए हरिद्वार की सीट सबसे ज्यादा हॉट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र की पैरवी कर रहे हैं, जबकि हाईकमान हरीश रावत को चुनावी मैदान में देखना चाहता है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की उलझन पर तंज कसते हुए दावा कर रही है कि हर सीट पर कमल खेलेगा। कि हम अपनी पांचों लोकसभा सीटों पर जो हमारा लक्ष्य है वो हम हर प्रत्येक सीट पर 5 लाख से अधिक मतों से जीतने वाले हैं। 5 लाख से जो अधिक मतों का अंतर रहने वाला है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में है। हमारे बूथ से लेकर शक्ति केंद्र से कल मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता सक्रिय नेता है और लगातार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो रोड शो किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण महिलाओं का जो सम्मान किया जा रहा है, तो राज्य की महिलाओं का आशीर्वाद है, युवाओं नौजवानों का आशीर्वाद है। देखिए दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, उसमें हमारे प्रदेश के नेतागण वहाँ पे उपस्थित रहे, सभी नामों पे विस्तार से चर्चा हुई और जो जीतने वाले कैंडिडेट है वो हमने फील्ड में उतारे हैं। बाकी जो दो लोकसभा रह गई है और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर उसमें भी नाम डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। जो उनकी विफलता है वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और मजबूत कैंडिडेट
हम यहाँ से उतारेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता के बीच में लेके जाए। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ इस बार उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट कांग्रेस। उत्तराखंड में चुनावी दंगल अब रोचक होने लगा है। बीजेपी जहाँ प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है तो कांग्रेस अभी भी अपने नेताओं को मनाने में जुटी है ताकि चुनावी मैदान में मजबूत कैंडिडेट उतार सके। कांग्रेस और बीजेपी के लिए हॉट सीट पौड़ी और हरिद्वार बनी हुई है क्योंकि इन सीटों पर नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो दावे हैं, दावों के इतर हकीकत ये है कि बीजेपी ने पांचों प्रत्याशी उतार दिए हैं और कांग्रेस की सुई तीन पर अटकी है, दो अभी बाकी है। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ गौरव पांडे जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ गरिमा दसोनी है, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप? मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, कल आपने जो बोला था और इशारे इशारे में जो बात करी थी आपकी वाणी सत्य हो गई है। नहीं एक गौरव जी एक मिनट मैं गरिमा जी कुछ दिखाना चाहता हूँ, इजाजत है आप लोगों की? जी ऐसा ट्रेलर गरिमा जी और आनंद जी कई बार देख चुके हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ गौरव जी स्पेशल आपके लिए। प्लीज जरा प्ले करिएगा और गौरव जी को दिखाइए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल रहे पिछले 24 घंटे पहले, प्ले करिए। साधारण कार्यकर्ता नहीं लड़ने वाला पौड़ी से। देखिए हमारे यहाँ तो सारे लोग कार्यकर्ता ना साधारण कार्यकर्ता नहीं लड़ने वाला, बहुत हैवी वेट चेहरा पौड़ी में आने वाला है। अब बात नहीं करिए चावला जी, मेरे को लगता है मेरे को ज्ञान कम है, आपको ज्यादा है पार्लियामेंट्री बोर्ड में शायद आपके ज्यादा। चलिए गौरव जी आप और हम यही बैठे हैं और हरिद्वार में भी यही होने वाला है, देख लीजिएगा आप और हम यही बैठे। चलिए जब टिकट डिक्लेयर होगा तो सबसे पहले मैं आपको कॉल करके बताइए। मैं बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा आपका सर हरिद्वार में, तो आपको भी मालूम है नाम तो तय है, ये तो हमें भी मालूम है। हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री आए और एक पूर्व मुख्यमंत्री चले जाए, बात इतनी होगी। मैं कह तो रहा हूँ हमारी पार्टी की बातें आपको पता है तो मैं सबसे पहले कॉल करके आपसे बात करूंगा। ठीक है सर, फिर कह रहा हूँ पौड़ी से कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं लड़ने वाला। गौरव जी को प्लीज स्क्रीन पर लाइए। मैं तो आपको गौरव जी आपके आपके फोन का वेट कर रहा था, आया नहीं आपका फोन। मैं तो तिलक जी आपको मैंने पेट स्टार्ट होने से पहले ही आपको बधाई दे दी गौरव जी, इशारा भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है, आपकी आपके मन के भाव को भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है और दोनों सीटें जो आपके मन में थी उन्होंने। ये भाव मेरा नहीं था, ये भाव जिनका था उन्हीं की वजह से नाम अटका था। अब सुन लो, अंदर अंदर की खबर जानना ही चाह रहे हो तो बता ही देता हूँ। अब ये मत बोलना कि मुझे बताया किसने, वरना फिर वो बात दूसरी हो जाएगी, है ना? तो गौरव जी इसलिए आप मुद्दे पर आइए, मसला जो पौड़ी पर अटका हुआ था असल में अटका पौड़ी पर था, हरिद्वार पर नहीं, सुई वहां अटकी थी। अब आपको लगता है कि मामला ऑल इज वेल है और जो आपके नेता कह रहे हैं कि 5 लाख वाला कुछ ज्यादा मामला नहीं हो रहा? हमारे जो नेता कह रहे हैं 5 लाख जीतेंगे क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र भाई की नीतियां और हमारे युवा मुख्यमंत्री कुशल सिंह धामी जी की सोच, जिस तरीके से हमारा कार्यकर्ता बूथ में मंडल में अपने शक्ति केंद्र में डटकर काम कर रहा है, हमारे युवा मुख्यमंत्री की पॉलिसी को आगे लेके जा रहा है, हमारे देश के सर इतना विकास किया था तो सांसदों का टिकट क्यों काट दिया? वो हमारी पार्टी का डिसीजन है, उसमें मुझे नहीं लगता कि चैनल के माध्यम से मुझे बताना पड़ेगा काटा। नहीं आप इतना मत बताइए, इतना ही काफी है आज के लिए। गरिमा जी वो ये कह रहे हैं देखा हमारे पांचों तय और 5 लाख वाला मार्जिन भी तय, हम 5 लाख से जीतेंगे ये भी तय, और इन्होंने कल एक बात और बोली थी और इनके नेताओं ने कह रहे हैं आपने जो प्रत्याशी उतारे वॉकओवर दे दिया हमें, ऐसा है क्या? मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है भारतीय जनता पार्टी और अभी अभी मैंने एक पोस्ट डाली कि उम्र भर गालिब ये काम करते रहे, चेहरे पर धूल थी और आईना साफ करते रहे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप मुख्यमंत्री बदल कर बार बार, आपने देखा 17 से 22 के बीच में क्या हुआ, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, 4 साल वाले त्रिविंदर रावत, 4 महीने वाले तीरथ रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी,
जो कभी मंत्री भी नहीं रहे। तो ऐसे में जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के रूप में सफल नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने फेल की मोहर लगाई ना, जनता ने या कांग्रेस ने तो फेल की मोहर नहीं लगाई त्रिवेंद्र रावत पे। फेल की मोहर अगर लगाई थी, अगर वो इतने काबिल थे, इतने सक्षम थे, सामर्थ्यवान थे, इतना उनका प्रशासनिक बढ़िया अनुभव था, तो फिर मुख्यमंत्री पद से हटाए नहीं जाते। हटाए गए मतलब फेल की मोहर लग गई। अब उनको आप सांसद के रूप में इसी तरह से कहते ना वो मार मार मुसलमान बनाना, तो आपने जबरदस्ती उनको सफल सांसद के रूप में घुटी पिलाकर अगर खड़ा करना है तो वो अलग बात है। पौड़ी का सीना छलनी है, चाहे वो जंगली जानवरों का आतंक हो। हमारे पूरे उत्तराखंड से बहुत बड़ी संख्या सेना में जाती है और उसमें पौड़ी संसदीय क्षेत्र ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा युवा प्रभावित हुए अग्निवीर योजना से। क्या किया बलूनी जी ने उन जंगली जानवरों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए? क्या किया जो पलायन हो रहा है, गांव सूने हो रहे हैं उसके लिए? क्या किया अंकिता भंडारी हत्याकांड को पास करने के लिए? आपका मैंने हाल पूछा, वो तो उन्होंने तय कर दिया हमारे पांच हैं, आपकी सुई कहां अटकी हुई है? आपने मुझसे पूछा कि ये 5 लाख वाली बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो मैंने कहा कि 5 लाख क्या 1 लाख भी कहां से लाएंगे? इस समय तो पहाड़ी और भारी चल रहा है यहाँ पर मुद्दा कि अनिल बलूनी इज अ पैराशूट कैंडिडेट जिसने अपना पूरा जीवन या तो गुजरात की गलियों में या दिल्ली की गलियों में नेताओं की परिक्रमा में गुजार दिया। पहाड़ को इससे मतलब नहीं वो किसके करीबी है किसके नजदीकी है, पहाड़ को इससे मतलब है कि उनके करीबी कौन है, उनके करीबी कौन रहेगा। बलूनी जी तो फिर जीत कर अगर इनको जीत मिली तो ये दिल्ली पहुंच जाएंगे फिर से। तो कहीं ना कहीं आप टिहरी की देख लीजिए, सांसद जो है टिहरी की सांसद, मैं एक चैनल में बैठी थी और बहुत अच्छा मेरे साथी ने कहा कि 3 मौकों पर वो दिखाई पड़ती है, पीएम को बुके देते हुए, सीएम को बुके देते हुए और डीएम को बुके देते हुए, उसके अलावा उनका कोई भी पदार्पण कहीं सार्वजनिक। मैडम आपकी सुई कहां अटकी हुई है? हमारी सुई से हम कोई चूहा दौड़ नहीं खेल रहे हैं, हम चूहा दौड़ नहीं खेल रहे कि भाजपा ने अपने 3 किए तो कांग्रेस को भी करना लाजमी हो। अब भाजपा नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन आपके पास तो पूरे के पूरे पांचों संसदीय क्षेत्र में सबसे हैवीवेट चेहरा तो हरिद्वार में ही है, तो फिर वहां क्यों इतनी असमंजस है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मेरे को बार बार घुमा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं से बातचीत हो रही होगी, वो अपना मंतव्य रख रहे होंगे। नहीं, उनकी तो चाह है कि मैं नहीं मेरा बेटा लड़े। नहीं देखिए, कहने की बात और होती है, चाहने की बात और होती है, पार्टी का और मंतव्य होता है। नहीं तो आप भी तो कार्यकर्ता ही है ना कांग्रेस की, तो आप तो चाहेंगी ना कि हरीश रावत जी चुनाव लड़े? मैं बिल्कुल चाहूंगी और बहुत कड़ी तो आप लोगों ने कभी मनाया नहीं उनको कि आप तो पहले भी सांसद रह चुके, इतने बड़े चेहरे हैं, आप लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी अगर हरीश रावत जी को हम सलाह देने लगे। सूरज को कभी दिया नहीं। माननीय हरीश रावत जी का जो कल है गरिमा दसौनी नाखून के जर्रे के बराबर भी नहीं। गौरव जी कहाँ आपसे बात हो रही है क्या? नहीं नहीं गौरव जी, ऐसा नहीं है कि सबने मना कर दिया तो हरीश रावत जी भी मना कर देंगे। हरीश रावत जी तो ऐसे वक्त में चुनाव लड़े हैं जहाँ पर आप देखिए हरीश रावत जी का कितना बड़ा पॉलिटिकल करियर है, उसके बाद जो चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा से मना कर रहे हैं। और हालत देखिए कि इनको टिहरी में, पौड़ी में, उत्तराखंड अल्मोड़ा में प्रत्याशी ढूंढने में कितनी मुशक्कत करनी पड़ रही है। और ये मैं नहीं, आपके चैनल की रिपोर्ट और आपको भी आपके लोग बता देंगे सभी कि कांग्रेस है। आप मुझे सवारी नहीं करना चाह रहा है, आप मुझे सार्वजनिक तौर पर जरा बता दीजिए निशंक जी का टिकट और तीरथ जी का टिकट क्यों कटा? हेलो, आप क्या सार्वजनिक रूप से बता पाएंगे तीरथ जी और निशंक जी का टिकट क्यों कटा? हमारी पार्टी में तो बताते हो, हमारा तो हमारी पार्टी का डिसीजन सर्वमान्य डिसीजन है। नहीं नहीं, वो सर्वमान्य छोड़ दीजिए, टिकट कटा क्यों? ऐसा कार्यकर्ता आपका आकलन क्या है? आप पुरानों को रिपीट कर दिया, इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा था आपका? ये निशंक ने और तीरथ रावत ने क्या बिगाड़ा था आपका? आप देखिए, बाकी 3 तो पुराने ही छोड़ दिए ना, निकम्मे और नाकाबिल। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए, मैं वही तो एक कार्यकर्ता के रूप में जानना चाह रही हूँ कि आपका क्या आकलन है, क्यों टिकट कटा आपके दोनों? मैं आपको अपना आकलन बता रहा हूँ ना जी, मैं कब रुक रहा हूँ। हमने तीरथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने तीरथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद तुमने नहीं पार्टी ने बनाया, तुमने नहीं जी, तुमने नहीं पार्टी ने बनाया। और हमने तीरथ जी को मुख्यमंत्री बनाया तब हमने उनको सब सांसद रहते मुख्यमंत्री बनाया। हमारी पार्टी में कोई साधारण कार्यकर्ता कब एमएलए बन जाए, कब एमपी बन जाए, कब मुख्यमंत्री बन जाए, ये आपने आने समय में राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में देखा है।
गरिमा जी, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट, ये प्रश्न उनसे क्यों पूछ रहे हैं मैडम? उनको नहीं मालूम होता जो कल मुख्यमंत्री होते हैं और परसों चुनाव लड़ रहे होते हैं एमपी का, है ना? ये वो उनको नहीं मालूम होता और आप उनसे पूछ रहे हैं गौरव जी ऐसा क्यों हो गया? खैर रविंद्र जी, रविंद्र जी देखिए मेरी सहानुभूति बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ है। एक मिनट गौरव जी, एक मिनट प्लीज, हो गया ना, बहुत देर से वेट कर। रविंद्र जी मेरी पूरी सहानुभूति आप जैसे कार्यकर्ताओं के साथ है आम आदमी पार्टी के, क्योंकि अब आपको ये तो तय है कि डंडा और झंडा जो है वो कांग्रेस का उठाना है इस चुनाव में उत्तराखंड में, लेकिन जो चेहरे उतारे गए हैं आप संतुष्ट हैं उन चेहरों से? और खास तौर पर गणेश जोशी जैसे नेता कह रहे हैं कि देखिए मैं तो मंत्री बना, इसमें जोत सिंह गुनसोला जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। देखिए जहां तक जोत सिंह गुनसोला जी की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर से भी उनको जानता हूं जी। देखिए पार्टी ने कैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है जिसने कभी पार्टी को हताहत नहीं किया, कभी पार्टी छोड़ने की बात नहीं की, कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे पार्टी को नुकसान होता हो। बिल्कुल, देखिए ऐसे आदमियों को आगे लाना चाहिए, निश्चित तौर से लाना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि एक इतने ज्यादा लाइमलाइट चेहरे थे कांग्रेस के पास, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे आदमी को आगे लाए जो मुझे लगता है कि पिछले 5-4 साल से बिल्कुल शांत थे, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस को हताहत नहीं किया। और गणेश गोदियाल जी की जहां तक बात करेंगे, देखिए गणेश गोदियाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा चेहरा है। नहीं, ये तो तय है, ये तय है, वहां फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है, तय है। प्रत्याशी के रूप में गणेश गोदियाल अच्छा फाइटर है, लेकिन एक बात रविंद्र जी, ये प्रदीप टमटा जी वाला मसला तो फंसा हुआ है। मयूख महर तो अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके खुलकर मंच पर, वो भी प्रदेश अध्यक्ष के सामने। देखिए जब एक आदमी का टिकट होता है, जैसा कि अभी हम ये भी समझ सकते हैं कि जो दो सीटों पर भी आपने कहा ना सुई कहाँ अटकी है, देखिए सुई यहाँ अटकी है कि किसी को नाराज भी नहीं करना है। देखिए अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का टिकट किया है तो निश्चित तौर से निशंक जी के दिल पर छुरियां चली होंगी, अंदर खाने नाराजगी हुई होगी। अब पार्टी उसको कैसे एडजस्ट करेगी ये अलग बात है, लेकिन निशंक जी बड़ा चेहरा है, पार्टी नहीं छोड़ सकते, पार्टी से किनारा नहीं कर सकते। नहीं, क्या लगता है कांग्रेस की सुई क्यों अटकी है, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए कांग्रेस की सुई की बात अगर आप करते हैं तो देखिए हरिद्वार में चूंकि हरीश रावत जी खुद लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी भी लड़ चुकी है, और हरत सिंह रावत जी ने भी वहां ताल ठोकी थी, खुद करण महाराज जी भी वहां ताल ठोक चुके हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और पार्टी सब चीजों को सोच रही है, देख रही है। मैं तो फेसबुक में एक और फोटो भी देख रहा था एक ऐसे व्यक्ति की जिसने राजनीति को शर्मसार करने का काम किया, जिसने भारतीय राजनीति को शर्मसार करने का काम किया, वो व्यक्ति अब कांग्रेस से टिकट मांग रहा है, बहुत शर्म की बात है। नहीं वो छोड़ दिए, पुराना वाला मसला हो गया अब तो वो जी। नहीं उसके लिए गरिमा जी भी तैयार नहीं होंगे ऐसे तो नहीं। ना हम तो उत्तराखंडी होने के नाते, मैं तो उत्तराखंडी होने के नाते भी तैयार नहीं हूँ, कांग्रेस वाले तो तैयार होने का नाम ही नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति के विधायक होने पर भी मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति कि जो बात करते समय ये ना पता हो कि कब आपका स्टिंग हो जाए। नहीं छोड़िए ना, आप पुरानी बातें रविंद्र भाई, मुद्दे पे आपको मैं ना रविंद्र भाई मैं जानता हूँ अंदर की खबर रखता हूँ, मुद्दे की बात बताओ मुझे जो जनता सुनना चाह रही है, हरिद्वार वाला मसला बताओ, उसमें मेरी दिलचस्पी है। देखिए हरिद्वार से मुझे जो लगता है हरीश रावत जी को पार्टी प्रेशर कर रही है खुद चुनाव लड़ने की, ठीक, और मुझे लगता है वो अपने बेटे को चाह रहे होंगे, और पार्टी अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। मुझे लगता है अभी भी हरत सिंह रावत पर और करण महारा पर भी विचार जरूर हो रहा होगा, क्योंकि पार्टी जब टिकट देती है तो सारे समीकरण नहीं, फिर वहां पर वो हो जाता है ना, वो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव भी लड़ेंगे और लड़वाएंगे भी, ये स्थिति भी आ जाती है ना। और हरत सिंह रावत वैसे ही जांच की आंच में फंसे हुए हैं। देखिए जांच का तो ऐसा है ना, बहुत अच्छी बात चावला जी आपने कही। देखिए जांच की बात जब आती है तो मुझे गामा जी की और गणेश जोशी की याद आती है कि ऐसे व्यक्ति जो आय से अधिक संपत्ति लिए बैठे हैं, पदों पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देते उस समय। ये मुद्दे तो चुनाव में उठाओ, बहुत भरपूर तरीके से हर मंच पे उठाओ,
लेकिन विषय यही है, आप ये कह रहे हो कि हरिद्वार में, और आपका जो नैनीताल वाला मसला है वहाँ। चावला जी एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। चावला जी अगर आप आंकड़े उठा करके देखें, इनके जो 5 सांसद हैं, 61% जो सांसद निधि थी वो वापिस चली गई। सर मैं उस पर चर्चा कर चुका हूँ बहुत विस्तार से, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ नहीं, ये मुद्दे तो उठा रहे हो सर, ये मुद्दे उठाओ, मंचों से उठाओ। मैं आप समझ नहीं रहे, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, नैनीताल में क्या लग रहा है आपको, ये प्रत्याशी क्यों नहीं, क्या क्या मसला है नैनीताल का? देखिए मसला कुछ नहीं होता, होता क्या है कि पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति नाराज ना हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और सबको समझा करके सबकी सहमति से टिकट दिया जाए। रविंद्र जी वहां बड़े बड़े नाम मना कर चुके हैं, हम नहीं लड़ेंगे जी। मैं तो दाद देता हूँ, गरिमा जी कह रहे मैं चुनाव, मेरे को मौका दो मैं चुनाव लड़ती हूँ। अरे भाई ऐसे नेताओं को तो आगे आना चाहिए, दूसरी पंक्ति में बैठे हुए नेताओं को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इन्होंने जब ये बयान दिया था, ये खबर चली थी फेसबुक पर, मैंने तो शुभकामनाएं भी दी कि भाई अगर सारे बड़े नेता ही टिकट लेते रहेंगे तो हम जैसों का और गरिमा जैसों का नंबर कब आएगा। नहीं हमारी भी कलमें सफेद होने लगी हैं भाई अब। हाँ नहीं ठीक है, तो मैं तभी पूछ रहा था, ये दिग्गज तो मना कर रहे हैं, और गरिमा जी अगर टिकट मांगते तो कहते कि नहीं अभी 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 बच्चों अभी खेल, देखो कैसे खेलते हैं खेल, ये कौन सी बात हुई फिर? खुद चुनाव लड़ोगे नहीं, जो लड़ना चाह रहा है उसको लड़ाओगे नहीं। कल तक ये सब अटकलें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये जो 500 हाँ अब आयो मुद्दे पर, अब आयो मुद्दे, बहुत देर से इतनी देर से घुमा रहे हो, अब आयो मुद्दे पर। गरिमा जी ये खबर जो रविंद्र जी ने दी, अगले 24 घंटे में स्थिति साफ होने वाली है ये तय है, ये खबर हमारे पास भी है। अब आप अपने मुखबिन से अगर कुछ कहना चाहें तो फिर गौरव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल तिलक जी, मेरे माननीय अध्यक्ष आज दिल्ली को रवाना हुए हैं और निश्चित तौर पर अब हम फाइनल स्टेज पर हैं, ग्रैंड फिनाले पे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी पार्टी हाईकमान का कि अभी तक जो 3 टिकट उन्होंने दिए हैं वो सटीक टिकट दिए हैं, जनाधार वाले लोग हैं और योगदान है उनका उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। पैराशूट कैंडिडेट्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह, और कहीं का रोड़ा और कहीं का ये बना के भानुमति का पिटारा नहीं जोड़ रखा है उन्होंने कि त्रिवेंद्र सिंह को अगर नहीं पौड़ी दे पा रहे हैं तो हरिद्वार एडजस्ट कर लो, ऐसा नहीं किया है पार्टी ने। जिसका जहां जनाधार है वही दिया गया है। हरिद्वार में अगर कुछ सरप्राइज आ जाए तो? नहीं सरप्राइज की बात नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि जो नाम चल रहे हैं उनमें से किसी का भी नाम सुनकर मैं सरप्राइज हूंगी। और लोगों को त्रिवेंद्र रावत जी का कार्यकाल अच्छे से पता है, कहां कहां वो फेलियर रहे, कैसे उन्होंने एक शिक्षिका के साथ अभद्रता कह रहे रविंद्र भाई। जनता दरबार एक नाम की जो मैंने चर्चा की थी, जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा टिकट कंफर्म है, क्या उसको अगर उस पर विचार करती है पार्टी? देखिए मैं यहाँ ऑन एयर आपसे पूछ रहा हूँ। रविंद्र भाई देखिए सवाल ही नहीं उठता जिस व्यक्ति की वजह से हमारी सरकार गई हो, जिस व्यक्ति की वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ हो, जिसने पीठ पर छुरा भोंका, और वो कोई सरकार हरीश रावत जी की नहीं थी, वो सरकार कांग्रेस की सरकार थी। हर कांग्रेसी का मन आहत होगा अगर इस तरह का निर्णय पार्टी लेती है, और पार्टी को 10 बार सोचना होगा इस तरह का निर्णय। मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी इतनी इमेच्योर है। और प्रभारी जी का तो काम ही है रेज्यूमे लेना, रेज्यूमे तो आप भी देने जाएंगे, आपका भी पकड़ेंगी, तिलक जी देने जाएंगे, तो टीवी देना तो काम है लोगों का, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन पार्टी इतना बड़ा ब्लंडर करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और नहीं, 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 वो छुरा उन्होंने नहीं घोपा था, छुरा किसी और ने घोपा था, कंधे पर उन्होंने जरूर बिठाया था किसी को। खैर गौरव जी कुल मिलाकर अब आपके तो चेहरे भी साफ है, गरिमा जी के अखाड़े में यह तय है कि 24 घंटे में, और हरिद्वार में कुछ सरप्राइज आने वाला है यह भी तय है। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि 5 लाख आपने कहा, जैसे कि 5 लाख हमारा मार्जिन तय है, तो आपके जो 5ों सांसद हैं उन्होंने तो विकास किया ही है, अब वो गांव वाला मसला छोड़ दिए, वो गांव गोद में बड़े हो गए, वो भी एक अलग मसला है, लेकिन आपके 5 सांसदों के 5 काम गिनवा दीजिए तभी 5 लाख तो वोट मिलेगा ना, 1 सांसद का 1 लाख, तो 5 काम गिनवा दीजिए 5 सांसदों के। पहले तो ना गरिमा जी की जो पीड़ा है, कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते और जो लड़ना चाहते हैं उनको पार्टी सीट नहीं ले रही है। मैं गरिमा जी को बोलता हूँ कि आप जैसे कार्यकर्ताओं की भाजपा में भी जरूरत है, आपके दरवाजे, क्योंकि हमारी पार्टी तो
आपकी पार्टी जिस हिसाब से भाजपा में आ रही है तो आप भी आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तिलक जी, मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे तुम्हारे 5 सांसदों के काम गिनवाएंगे, आप हरिद्वार से स्टार्ट कीजिए, पौड़ी जाइए, पौड़ी स्टार्ट करके हमारे अखोड़ा आइए, चाहे वो मानव खान। नहीं, मैं पूरा उत्तराखंड घुमाओ, मुझे उत्तराखंड मत घुमाओ, 5 काम गिनवाओ बस। नहीं, मैं आपको गिनवा रहा हूँ ना, 5 काम, 5 हाँ, 5 काम गिनवाइए प्लीज। अब ये मत बोलो कि रोड की कनेक्टिविटी जो खंडूरी जी ने बनाई थी वो हमारे नाम पर क्रेडिट डालो, अब मैं इतना भी, हाँ इतना वाला मसला नहीं है मेरा। चावला मुद्दे पे, 5 पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे क्या खंडूरी जी के? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट सर में मुख्य बतौर मुख्यमंत्री ना, अटल सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हुआ करते थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बता रहे हो मुख्यमंत्री के कार्यकाल गिनवा रहे हो, मैंने आपसे पूछा 5 सांसदों के 5 काम गिनवा दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बताइए सर। हरिद्वार में जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, एम्स जो बना है, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, इस बार 4 धाम यात्रा में जो मैक्सिमम लोग आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं? महाराज सर, अब ये मत बोलो कि 4 धाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसका क्रेडिट हमें दो, हमारी सरकार आने के बाद जो है केदारनाथ की पहचान बनी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर। चावला जी, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो श्रद्धालु की संख्या नहीं बढ़ी क्या? मतलब पहले केदारनाथ तक कनेक्टिविटी नहीं थी? उससे पहले तो लोग नहीं जानते थे। आप ही बताइए, जब आप दिल्ली जाते थे सर, केदारनाथ से कनेक्टिविटी नहीं थी? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सर। अच्छा चलिए ठीक है, एक काम हो गया, और दूसरा काम भी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में फ्लाइट की संख्या कितनी बढ़ गई यहाँ से, वंदे भारत ट्रेन मिलने से क्या हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई? आज हमारे सांसद पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन पूछते हैं प्रदेश के विकास के लिए और अपनी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे रखते हैं, तो उन सांसदों की बात सुनकर नरेंद्र भाई मोदी, हमारे देश के सबसे प्रभावशाली नेता, जो डिसीजन लेते हैं सांसद, तो उनके बात करते हैं। 2 काम हो गए सर, तीसरा हमारी मानखंड श्रृंखला, जो अभी गाँव में हम मंदिर वाला मिशन के तहत बना रहे हैं सारी की सारी, जिसमें हमारे जगदीय प्रधानमंत्री अभी आए थे। मैंने सर केंद्र की योजनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपके सांसदों ने जो काम किए, 5 काम गिनवा दिए, ये काम किसकी वजह से हुआ बताइए ना? ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। आप गरिमारी 10, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर रविंद्र फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूँ। देखिए गौरव पांडे जी, अगर आपके सांसदों ने काम किया होता तो 50% नहीं, 61% सांसद निधि लैप्स हुई है आपके सांसदों की। ये एक बट्टा है, एक बदनुमा दाग है कि आपके सांसद केवल और केवल चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के नाम की भीख मांगते हैं, उगाही करते हैं मोदी के नाम की, और तो और धन सिंह रावत विधायक बनने के लिए मोदी का नाम ले रहे थे कि मोदी ने ये काम किया। श्रीनगर में हमने देखा कि मोदी जी के नाम का उगाही धन सिंह रावत ने की, यानी कि अपना गिनाने को कुछ नहीं है, कोई रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के पास नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ तिलक जी, इस समय एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त है कि सही ढंग से हमने अगर चुनाव लड़ा, हमारे संगठन ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, तो इनको धूल चिटाने का काम कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस वक्त कर सकती है। रविंद्र जी समझ रहे हो गरिमा जी कितनी बड़ी बात कह रही हैं, कि अगर हमने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया तो ये हमें हरा नहीं पाएंगे, तभी तो वो टिकट रुके पड़े हैं। एक एक साथ मिलकर लड़ लिया तो ये हरा नहीं पाएंगे। मैं एक साथ मिलकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक एक सीट से अगर 8-10 दावेदार थे तो जिनको नहीं मिला टिकट तो निश्चित तौर पर एक पीस होगी मन में। नहीं गरीब, सारे दावेदार जो गरीब, मैं जानता हूँ आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, मैं जानता हूँ इस बात को आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन जहाँ आप इशारा कर रही हैं, इशारा तो आपके नेताओं को अगर समझ में आ गया तो वाकई फाइट तगड़ी होगी, ये भी तय है, ये भी आप भी समझ रहे हैं, अभी मैं भी। रविंद्र जी फाइनल कमेंट आपका, बात तो कह दी जो बात कहनी थी गरिमा जी ने, कि मिलकर लड़ लिया तो मुकाबला तय है, नहीं लड़ा तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी। देखिए इस वक्त जो प्रदेश में और देश में जो माहौल बनाया गया है और जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का जो मसला उठाया गया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई साम दाम दंड भेद, ऐसा कोई भेद नहीं छोड़ा जिसको ना अपनाया हो, चाहे पार्टियों को तोड़ने का काम किया हो, नेताओं को खरीदने का काम किया हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप कुल मिला के रविंद्र भाई कहां लग रहा है, कहां तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी आपको? देखिए मुझे लगता है कि हरिद्वार और पौड़ी में कुछ भी हो सकता है, अगर गरिमा जी ने जो कहा वो ठीक है, पौड़ी और हरिद्वार मेरे आकलन से अच्छी फाइट वहां पर इंडिया अलायंस की, क्योंकि अब तो हम ही लैंड का हिस्सा है। हाँ, ठीक,
दो सीटों पर मैं कह सकता हूँ दो सीटों पर तगड़ी फाइट होगी, यानी पांच तीन मुकाबला, पांच तो होने वाला है मुकाबला, तीन पांच, तीन दो। नहीं, टिहरी में भी लोग अब रानी से बहुत आजीज आ चुके हैं भाई, रानी से बहुत हाथ जोड़ लिया दूर से लोगों ने, तो टिहरी में नहीं। गरीबाई पिछली बार भी आपने यही कहा था, पिछली बार भी यही कहा था आपने। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर उत्तराखंड की जनता नहीं समझ रही तो दुर्भाग्य होगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता को यह समझना होगा कि अनिल बलूनी कभी उनके दुख परेशानी में साथ। रविंद्र जी, आप कुल मिलाकर, कुल मिलाकर इतनी कहानी है कि एक सरप्राइज आने वाला है, थोड़ा उसका भी इंतजार कर लेते हैं, वो सरप्राइज आने वाला है। गरिमा जी भले ही ना बताएं, लेकिन गरिमा जी भी जान रही हैं कि सरप्राइज आने वाला है। खैर, वेट एंड वॉच। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका, गरिमा जी आपका, और रविंद्र जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत में बिसात बीत चुकी है, मोहरे तय हो चुके हैं, अब इस जंग में वो जीतेगा जिसकी चाल में दम होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।